डिस्टेंस मोड से बीएड करने का एक और बेहतरीन ऑप्शन से एडमिशन नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। साथियों यहाँ पर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीएड की डिग्री है वो आप घर बैठे डिस्टेंस मोड में ओपन यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से कर पाएंगे। इसके कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम की प्रोसेस, एंट्रेंस की सारी इंफॉर्मेशन में सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। ओपन बीएड आप यहाँ से कंप्लीटली कर पाएंगे, कौन सा स्टडी सेंटर है, कितनी फीस है, सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों इसी प्रकार के एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेहतरीन वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये साथियों मैं जो आप बात करने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में जो है कंप्लीटली एडमिशन है और यहां पर ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अप्रूव मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और जो मैं बीएड की बात कर रहा हूं ऑप्शनली मैं अगर बता रहा हूं आपको तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त ये यूनिवर्सिटी है। इससे अगर आप डिस्टेंस बीएड करते हैं तो आपको कंप्लीटली जो रेगुलर बीएड होती है उसके समकक्ष मान्यता रहेगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जहां पर रेगुलर बीएड की डिग्री मानी जाती है वहां पर आप ओपन बीएड की डिग्री भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट मान्यता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस बारे में यूजीसी ने भी कई बार नोटिफिकेशन दे चुके हैं, मैंने खुद ने वीडियोस बनाए हैं और कंप्लीटली मैं इसके बारे में लगातार जो कोर्स की अप्रूवल्स हैं और उसके बारे में भी अवेयरनेस की जो बातें हैं लगातार मैं आपसे शेयर करता रहता हूं। तो एक बार मान्यता का जो इशू है वो हटा दीजिएगा, मैं अगर आपसे कुछ बात शेयर कर रहा हूं तो निश्चित ही वो एनसीटी से अप्रूव्ड है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से भी अप्रूव्ड कंप्लीटली ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ये डिग्री आपकी रहने वाली है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है। तो यहां पर ये साथियों अभी जो आपके फॉर्म चल रहे हैं 17/2022-23 के जनवरी सेशन के यहां पर ये फॉर्म अप्लाई करवाए जा रहे हैं, 2023 जनवरी सेशन है उसके जो फॉर्म है वो अभी आपसे भरवाए जा रहे हैं। तो इसमें सिंपली सारी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप यहां से ओपन बीएड करना चाहते हैं तो jmicoe.in पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर कम्प्लीटली जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2023 लास्ट डेट है। तो वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। जो इंट्रेंस टेस्ट होगा, क्योंकि बीएड में आपका एडमिशन होगा वो इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होने वाला है, जितने फॉर्म आएंगे फिर उनका इंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो 5 मार्च को उनका इंट्रेंस टेस्ट होने वाला और 15 मार्च को आपका कम्प्लीटली उसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर आपका एडमिशन होता है या नहीं होता वो सारी बातें भी आपको लगभग पता चल जाएगी। तो यहाँ पर ये बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब किसमें होने चाहिए वही सीधी सी बात है। आपको पता ही है जो एनसीटी का नियम भी है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम तभी आप यहां से बीएड कर पाएंगे। और यहां अकेले की बात नहीं, कोई भी और भी यूनिवर्सिटीज में आप देखते हैं तो ये 50% वाला मार्क्स का नियम तो है ही। एलिजिबिलिटी की और हम बात करेंगे, बाकी ड्यूरेशन आप 2 से 5 साल की आपकी बीएड रहेगी, मिनिमम 2 साल, बाकी अगर आप एब्सेंट होते हैं, अगर आप बैक आती है या फिर कुछ और इश्यूज रहता है तो 2 से 5 साल रहेगा। मोड ऑफ एडमिशन इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है और 20,000 रुपये एनुअली आपकी इसमें फीस आपको देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन वन टाइम आपका इसमें फीस है वो 1500 रुपये वो लगने वाला है। और यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी को और थोड़ा आप कंप्लीटली समझेंगे, ग्रेजुएशन विथ जो बैचलर डिग्री है आपकी वो तो 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। अगर उसमें आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें अगर भी है, उसमें भी अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप इसमें बीएड करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके साथ ही आपको साथियों यहाँ पर कम्प्लीटली जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% की छूट मिल रही है। SC ST OBC PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको छूट मिल रही है। ये तो होगी एक एलिजिबिलिटी, उसके साथ दूसरी और योग्यता है आपको, वो भी पूरी करनी होगी। अभी आप जो है ट्रेनिंग इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आप जो है प्रारंभिक शिक्षा जो होती है 1 से 5 या 1 से 8 की, उसमें आप वर्तमान में टीचर होने चाहिए, उसमें आप कार्य कर रहे हैं तभी आप यहां से बीएड कर पाएंगे। और आपको एनसीटी का जो कोर्स होता है, जो एक डीएलएड होता है, बीएलएड होता है, बीएसटीसीए, वो फेस टू फेस मोड में आपने किया हुआ होना चाहिए। अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका सर्विस टीचर होना जरूरी है। सर्विस टीचर आप तभी होंगे जब आपने बीएसटीसी किए, डीएलएड है, जेबीटी है, बीटीसी है, जो भी आप बोल दीजिए अलग अलग स्टेट में नाम है, वो आपने रेगुलर मोड में कर रखी है। उसके बाद अगर आप यहां पर आप टीचर के रूप में काम कर रहे हैं अभी स्कूल में, अभी आप टीचर हैं वर्तमान रूप में, तो फिर आप यहां से बीएड कर सकते हैं। तो यहां पर आपके जो बीएड करने की 3 एलिजिबिलिटी है, एक तो आपका बीएसटीसी डीएलएड किया हुआ होना चाहिए रेगुलर मोड में, उसके बाद आप सर टीचर के रूप में वर्किंग करते हुए होने चाहिए स्कूल में, तभी तो आप ओपन बीएड कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपनी योग्यता की अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। और तीसरी योग्यता है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, और बाकी अगर आपका कैटेगरी वाइज जो छूट है वो तो मैंने आपको बता ही दी। तो आपका कम्प्लीटली जो इंट्रेंस एग्जाम लगने वाला है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, और उसके थ्रू आपका इसमें एडमिशन होगा और आप यहां पर कर पाएंगे। बाकी यार ड्यूरेशन की बात करूं तो आपका 2 घंटे का जो इंट्रेंस एग्जाम है वो रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 1 रहेगा एवरी करेक्ट आंसर, और 4 पार्ट में आपका जो है बीएड इंट्रेंस टेस्ट देखने को मिलेगा। 4 सेक्शंस आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अलग अलग 5 सेक्शन रहेंगे, और उसमें भी क्या होगा आपका टोटली मार्क्स वाइज जो वर्गीकरण है वो भी आप देख पा रहे हो, जनरल इंग्लिश है, लॉजिकल है, एजुकेशनल है, अवेयरनेस
एस है, सेक्शन 4 है, तो यहाँ पर ये जो मार्क्स वाइज वर्गीकरण है उसको आप कम्प्लीटली देख सकते हैं, और कम्प्लीटली सब्जेक्ट का भी आपका इसमें सेक्शन 5 भी रहने वाला है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियरली, आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना होगा और उसी अकॉर्डिंग आपका एडमिशन इसमें होने वाला है। तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटली आपके साथ 500 सीट्स इसमें हैं, और उसमें रिजर्वेशन जो है नियम लागू है, और उसमें से जो सॉरी दोस्तों, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग इन 500 सीटों पर एडमिशन होने वाले हैं। पहले आप सभी फॉर्म भरेंगे, फिर आपका कंप्लीटली एडमिशन होंगे, और 50 स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट्स लर्नर सेंटर है, मतलब जो लर्नर सपोर्ट है, स्टडी सेंटर बोल दीजिए, तो 50 सीट्स पर सेंटर में है, तो मतलब 500 सीट पर आपका ये एडमिशन होने वाला है। यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह आप देख पा रहे होंगे अगर आप है, और यहाँ पर आप जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए यहाँ से आप फोन करके सीधी उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी सीधा ले पाएंगे। बाकी और एंट्रेंस एग्जाम की आप सीधी और जानकारी चाहते हैं तो कंप्लीटली आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लेंगे, तो मैं इसमें और कंप्लीटली जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। यहां पर ये जो आपके स्टडी सेंटर की बात करो, जो बीएड डिस्टेंस मोड है उसके ये स्टडी सेंटर है, इनमें से कोई एक स्टडी सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं जनवरी बैच के लिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं उसका सेंटर का कोड है और उसकी मान्यता वगैरह भी, और उसका जो आप देख पाते हैं जो आप स्टडी सेंटर आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कंप्लीटली जो अपने बीएड की जो प्रोसेसिंग है वो आप कर पाएंगे, और जो स्टडी सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहां पर आप देख पा रहे होंगे उसमें शो हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ये सारी बातें समझ सकते हैं। डिस्टेंस मोड ओपन बीएड का यह बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल रहा है, अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो आप इस ऑप्शन से बीएड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं जो विस्तृत प्रोस्पेक्टस है उसकी कुछ बता देता हूं आपको, ताकि और सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, ये कम्प्लीटली जो बड़ी सी पीडीएफ है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ को आपको पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। 25 पेज की ये पीडीएफ है जिसमें आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कैसे बीएड करवाएंगे, क्या लेसन की प्रोसेसिंग रहने वाली है, किस प्रकार से आपके सारे आगे की प्रोसेस होगी, ये सारी बातें आप ये देख पा रहे होंगे। इंडेक्स है इसमें, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आपको किस किस प्रकार से एलएससी का सपोर्ट मिलेगा, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, काउंसलिंग सेशंस, सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे थ्योरी, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो आप इस पीडीएफ को कम्प्लीटली अच्छे से रीड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए। तो हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो टेलीग्राम चैनल है आप सभी को अच्छे से पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको क्या करना है आपको ज्वाइन कर लेना, और वहां पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ये 25 पेज की पीडीएफ है, इसको पूरा आप वॉच कर रीड कर लेंगे अच्छे से, तो आपके सारे जो जितने भी जो कंफ्यूजन है इस यूनिवर्सिटी के वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये देख सकते हैं, इससे आप और सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।